हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वेब लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, चैनल पे कंटिन्यू क्लासेस आरआरबी जेई सीबीटी 2 का क्लासेस कंटिन्यू चल रहा था। दोस्तों, यहां पे उसका जो है आंसर की जो आ गया है, तो आंसर की के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे इसका कट ऑफ किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। ध्यान से देखिएगा, मैं ऑलरेडी एक वीडियो कट ऑफ के रिगार्डिंग इस पे बनाया था दोस्तों, दो तीन दिन पहले अपलोड किया था, उसमें भी आपको पूरा डिटेल में समझाया था। लेकिन दोस्तों, इसमें जो है और भी अच्छे से पूरा डिस्कशन के साथ और फुल डिस्कशन के साथ मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें और भी डाटा एनालिसिस करके इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख बने रहिएगा। जो नए स्टूडेंट है उन लोग को बता दूं, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है। दोस्तों, जो सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे होता है दोस्तों कि कट ऑफ जो इसका आएगा आरआरबी जेई सीबीटी 2 का, इसका ब्रांच वाइज आएगा या फिर कैटेगरी वाइज आएगा, वो सबसे मेन मैटर करता है। इसका सबसे पहले एनालिसिस करने से पहले आपको इस वीडियो को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद सभी ब्रांच का मैं यहाँ पे पूरा डिटेल लेकर के आया हूँ, डिस्कशन के साथ में, एनालिसिस के साथ में दोस्तों। उसके बाद मैं लास्ट में आपका कट ऑफ सभी जो है ब्रांच वाइज आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका जो सीबीटी 1 का जो कट ऑफ आया था, सीबीटी 1 का जो कट ऑफ आया था दोस्तों, वो आया था कैटेगरी वाइज। ध्यान से देख सकते हैं, ये जो कट ऑफ है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो है सीबीटी 1 का कट ऑफ है, देख सकते हैं, आरआरबी इलाहाबाद बोर्ड का सीबीटी 1 का एक कट ऑफ है, आरआरबी जेई सीबीटी 1 का दोस्तों, जिसमें आपका बोर्ड वाइज तो कट ऑफ आया ही था, लेकिन बोर्ड वाइज में भी आपका कैटेगरी वाइज आया था। कैटेगरी वाइज कहने का मतलब किस कैटेगरी यानी पोस्ट वाइज, किस पोस्ट के लिए कौन से ब्रांच इलिजिबल है, वही पोस्ट वाइज यहां पे कट ऑफ आया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इस वर्ष जो यहां पे जो फाइनल जो आपका कट ऑफ आएगा सीबीटी 2 का, वो भी आपका कैटेगरी वाइज यानी आपका पोस्ट वाइज ही आपका कट ऑफ आने वाला है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि एक पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल वाले भी इलिजिबल है, मैकेनिकल वाले भी इलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इलिजिबल है, ऐसे बहुत सारे पोस्ट है जिसमें दो तीन ब्रांच इलिजिबल है। तो इससे मेन फर्क पड़ता है कि आपका जो है ब्रांच वाइज कट ऑफ नहीं, यहाँ पे आपका पोस्ट वाइज कट ऑफ आने की ज्यादा चांस है, क्योंकि सीबीटी 1 में भी पोस्ट वाइज ही कट ऑफ आया था, और पोस्ट वाइज आएगा और सभी बोर्ड का भी अलग अलग आएगा दोस्तों, यानी बोर्ड वाइज, और बोर्ड वाइज में भी आपका पोस्ट वाइज कट ऑफ आने वाली है। ठीक है, आप लोग भी राय में, कमेंट में राय जरूर दीजिए कि आपको अनुसार से क्या होना चाहिए, बोर्ड वाइज आने वाली है या फिर जो है यहाँ पे ब्रांच वाइज आने वाली है। तो दोस्तों बोर्ड वाइज तो आने ही वाली है, साथ साथ में यहाँ पे पोस्ट वाइज भी कट ऑफ आने की उम्मीद है। इसलिए हम लोग सबसे पहले आपको एक बार ओवरव्यू यहाँ पे ये दिखा दूं दोस्तों, कि सबसे पहले आप लोग जो फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो वहां पे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये कैटेगरी है, वही कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ आया था, देख सकते हैं कट ऑफ आया था। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1, यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी नंबर 1 है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सबका अलग अलग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल वाले ब्रांच जो है ये सब जितना कैटेगरी है इसमें इलिजिबल थे। और कुछ कुछ कैटेगरी है यहाँ पे दोस्तों, जैसे कैटेगरी नंबर 14, इसमें आपका देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले भी इलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इलिजिबल है, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल वाले भी इलिजिबल है, यानी तीनों ब्रांच वाले इलिजिबल है। इसी से मैं कह रहा हूँ कि आपका जो आएगा रिजल्ट जो आएगा दोस्तों, वो पोस्ट वाइज आएगा, यानी यहाँ पे कैटेगरी और पोस्ट जो होता है उसी वाइज आएगा दोस्तों, पोस्ट वाइज। ठीक सकते, देख सकते ये सभी जितना भी कैटेगरी है यहाँ पे, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सभी जो है इसमें इलिजिबल है, इसीलिए आपका जो आएगा वो पोस्ट वाइज ही आने वाली है। तो ये चीज तो आपको फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उसमें क्लियर पता चल गया होगा। और ये जो सीबीटी 1 का जो आपका रिजल्ट आया था, तो आप लोग देख चुके होंगे कि आपका जो आया था रिजल्ट जो पोस्ट वाइज ही आया था, पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग सबसे पहले सीबीटी 2 का एनालिसिस करते हैं। उससे पहले आपका पूरा सर्वे दिखा देना चाहता हूँ, देख सकते ये जो सर्वे जो हुआ था दोस्तों, ये तो मैं पिछले वीडियो में भी इसको बारे में कुछ डिस्कस किया था, इसमें भी लगभग 6-7 हजार स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, सभी ब्रांच वाइज इसमें जो है इस सर्वे में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद दोस्तों बहुत से मैं यहाँ पे कमेंट भी देख रहा था,
उसमें सब स्टूडेंट अपने रॉ मार्क्स बता रहे थे, कौन से जोन में कितना उनका जो है, कौन से कैटेगरी, कौन से ब्रांच का कितना नंबर आ रहा था, इससे भी एनालिसिस किया जा रहा था दोस्तों। उसके बाद ये जो है आपको एक पोलिंग करवाया जा रहा था, जिसमें पोलिंग में देख सकते हैं पूरा जो है 26/9 को जो है पूरा सब जो है बोर्ड वाइज और ब्रांच वाइज कौन से डेट में एग्जाम था, कितना नंबर आया है, कौन सा शिफ्ट था, सभी यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। सब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पूरा एनालिसिस इसमें किया गया है, पूरा ये पीडीएफ है, इसमें आपका एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों फाइनल आप लोग को जो है, आपको मैं वैसे तो बता दूं कि आपको कैटेगरी वाइज दोस्तों कभी कोई ओरिजिनल जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं बता सकता। एक दोस्तों हम लोग ओवरव्यू मान के चलते हैं कि यहाँ पे ब्रांच वाइज कितना कट ऑफ हो सकता है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड वाइज कट ऑफ आपको बता दिया हूँ, एक बार ये ब्रांच वाइज कट ऑफ देख लीजिए कि कौन से ब्रांच के लिए कितना अगर आपका नंबर आ रहा है तो सेफ है या नहीं। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखा दूं दोस्तों, ताकि आपको पूरा क्लियर विजुअल हो। देख सकते हैं इसमें पूरा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किए हैं, देख सकते हैं सब जो है दोस्तों 26/9 27/9 सब जो है यहाँ पे बोर्ड भी है, ब्रांच भी है, कैटेगरी भी है, कौन से शिफ्ट है। और यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखे हैं कि मतलब इनका कितना जो है अटेम्प्ट कितना था, देख सकते हैं अटेम्प्ट कितना था। अटेम्प्ट तो स्टूडेंट देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी जब रिव्यू करवाया जा रहा था सेंटर से, यहाँ पे रिव्यू भी करवाया जा रहा था दोस्तों, उस वक्त अटेम्प्ट बहुत स्टूडेंट जो है अटेम्प्ट खूब कर रहे थे, देख सकते हैं 139 144 बहुत अटेम्प्ट कर रहे थे। इनका रॉन्ग जो आया था देख सकते हैं कुछ इस तरीका से नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इन लोग का आया है, और जो सीबीटी 2 का रॉ मार्क्स नेगेटिव मार्किंग कट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीका से इन लोग का रॉ मार्क्स आया है, देख सकते हैं किन्हीं का 103 भी आया है, किन्हीं का 89 भी आया है, 76 58 75 कुछ इस तरीका से आया है। ठीक है, और सभी जो है ये सभी दोस्तों ब्रांच वाइज है, सभी का पूरा एनालिसिस यहाँ पे किया गया दोस्तों। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक फाइनल आपको ब्रांच वाइज सेफ स्कोर बताने जा रहा हूँ कि कितना आपका जो है स्कोर आ रहा है तो कौन जो है सेफ स्कोर कितना होगा, क्योंकि दोस्तों उसमें ब्रांच वाइज आपको यहाँ पे कोई बता, यहाँ पे दोस्तों बोर्ड वाइज में आपको कैटेगरी वाइज उसे कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एवरेज स्कोर पता चल जाएगा कितना अगर स्कोर है तो आपका कितना जो है आप सेफ स्कोर में है कि नहीं। ठीक है, ये डाटा पूरा लंबा है, इसको देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूँ, देख सकते हैं इसमें पूरा डाटा पूरा ब्रांच वाइज और सब स्टूडेंट यहाँ पे जोन वाइज साथ में मेंशन किए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं मेन जो यहाँ पे दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये दोस्तों आपका, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपका जो सीबीटी 2 का जो कट ऑफ आने वाली है दोस्तों, वो भी आपका पोस्ट वाइज ही आने वाली है, पोस्ट वाइज जिसमें जिस पोस्ट जिस कैटेगरी में आपका पोस्ट एलिजिबल है उसी वाइज आने वाली है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कौन से ब्रांच के लिए कितना आपका सेफ स्कोर रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये सीबीटी 1 का कट ऑफ है जिसमें आपका कैटेगरी वाइज आया था, और किस कैटेगरी में आप लोग कौन से पोस्ट एलिजिबल हुआ फॉर्म फिल किए हैं तो वहां पे आपको पता ही होगा। उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे आपको कुछ एनालिसिस बता रहा हूं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस एनालिसिस में दोस्तों आपको मान के चलिए कि प्लस 5 नंबर माइनस 5, 5 से 7 नंबर प्लस माइनस मान के चलिए, क्योंकि कोई सटीक एनालिसिस नहीं बता सकता। ठीक है, हम लोग भी यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा यहाँ पे ओवरव्यू जो पोल सब हुआ था उसमें एक ओवरव्यू और कमेंट सेक्शन में देखते हुए यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूं। मैं एक ऑलरेडी बताया था ब्रांच जो बोर्ड वाइज बताया था उसी उसका भी यहाँ पे एनालिसिस करके ही बताया था, और ये भी एनालिसिस पूरा करके ही आपको बताया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल ब्रांच के अंतर्गत आप लोग फॉर्म फिल किए हैं, एग्जाम दिए हैं, तो आपका अगर जनरल कैटेगरी में 92-92 के आसपास आ रहा है स्कोर, तो आप सेफ स्कोर में मानिए किसी सभी जोन के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सभी जोन के लिए इलिजिबल मैं बता रहा हूं, और कुछ कुछ जोन है दोस्तों जिसका कट ऑफ कम जाने वाली है, जैसे आपका यहाँ पे जम्मू जोन हो गया, मालदा जोन हो गया, और भी कुछ कुछ जोन है वहां पे कुछ कट ऑफ जो है वहां पे 2-4 नंबर का डिफरेंस दिख सकता है। और जैसे आपके इलाहाबाद जोन हो गया, मुंबई जोन हो गया, सिकंदराबाद जोन हो गया, चेन्नई जोन हो गया, ये सब में दोस्तों थोड़ा सा कट ऑफ इसी के आसपास में रहने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और सभी मैं जो बता रहा हूँ उसमें प्लस 5
प्लस फाइव माइनस फाइव मान के चलिए, क्योंकि ये कोई सटीक बता नहीं सकता, इसी के अप्रोक्स में आप लोग मान के चलिए अगर स्कोर आपका है तो सेफ स्कोर में आप लोग माने जाएंगे। ठीक है, मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 92 अगर आप लोग का स्कोर 92 के आसपास आ रहा है तो सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। ओबीसी का अगर 89 के आसपास आ रहा है तो भी आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। एससी कैटेगरी का दोस्तों 85 के आसपास आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर काउंट किया जाएगा दोस्तों। एसटी कैटेगरी का 77 के आसपास आ रहा है तो आपका काउंट किया जाएगा, जो है आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक है, पीएच कैटेगरी का फिजिकली हैंडीकैप्ड ये सब होते हैं, इन लोग का दोस्तों 70 के आसपास आएगा तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। सभी ब्रांच का मैं ब्रांच वाइज बता रहा हूं, ठीक है, इतना स्कोर इसके आसपास आ रहा है तो आप लोग सेफ जोन में माने जाएंगे। ठीक है, सेफ स्कोर में। नेक्स्ट जोन, नेक्स्ट ब्रांच आपके सामने आपको बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये है इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों का दोस्तों यहाँ पे स्कोर मैं एनालिसिस कर रहा था, उस वक्त देख रहा था दोस्तों बहुत से स्टूडेंट का 900 प्लस भी मार्क्स आ रहे थे, बहुत से स्टूडेंट का 100 प्लस भी थे, 80-70 इसी के आसपास भी बहुत थे, तो उसी के अनुसार से एवरेज मैं मार्क्स यहां पे बता रहा हूं। 93 के आसपास अगर जनरल स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी का तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आपका भी सेफ स्कोर काउंट किया जाएगा। ओबीसी में अगर 90 के आसपास है दोस्तों तो आपका भी सेफ स्कोर में यहाँ पे काउंट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। एससी कैटेगरी का अगर 85-85 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है तो भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सेफ स्कोर में भी आप लोग है। एसटी कैटेगरी 79 के आसपास आएगा तो भी आपका सेफ स्कोर काउंट किया जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड का 68-68 के आसपास है तो भी आपका सेफ स्कोर माना जाएगा दोस्तों। मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कुछ कुछ जोन का कट ऑफ कम भी जाने वाली है, दो चार नंबर का, ठीक है, और सभी कट ऑफ मैं बता रहा हूं ये रॉ मार्क्स के बेसिस पे बता रहा हूं, रॉ मार्क्स जो आपका अभी आंसर की मिलाने के बाद आया है उस मार्क्स के बेसिस पे बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद दोस्तों यहां पे कौन से शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ने वाली है वो कोई नहीं बता सकता, वो आरआरबी के पास डाटा है, आरआरबी बता सकता है जब आंसर किया आएगा तो कौन से शिफ्ट में कितना, जो उसका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा दोस्तों उसमें कितना कौन से शिफ्ट में नंबर बढ़ा है वो आरआरबी के पास, वो आरआरबी ही बता सकता है। ठीक है दोस्तों, वैसे स्टूडेंट का मैं कमेंट देख रहा था वहां पे जब एनालिसिस करवाया जा रहा था सेंटर से दोस्तों, उस वक्त स्टूडेंट बहुत से कमेंट कर रहे थे कि जो है 31, ध्यान दीजिएगा 31 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ शिफ्ट में जो है स्टूडेंट ज्यादा कमेंट कर रहे थे, और आखिरकार वो शिफ्ट टफ था क्या था वो आरआरबी के पास पता है, वो आरआरबी ही डिसाइड करेगा। इसीलिए मैं ये सभी रॉ मार्क्स के बेसिस पे बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है कुछ नंबर आप लोगों का बढ़ने वाली है कुछ कुछ शिफ्ट में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग का, ध्यान से देखिएगा, जिस जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं उन लोग का अगर 91 के आसपास स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी तो आपका सेफ स्कोर काउंट किया जाएगा। ओबीसी में 88-88 के आसपास आ रहा है तो भी आपका सेफ स्कोर में काउंट किया जाएगा। 82 एससी कैटेगरी इसके आसपास आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर में काउंट किया जाएगा दोस्तों। एसटी कैटेगरी अगर 77 के आसपास आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर में काउंट किया जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड में अगर 68-68 के आसपास आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए यहां पे भी काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों सिविल ब्रांच का, वैसे मैं ऑलरेडी बताया हूं सिविल ब्रांच का कट ऑफ और ब्रांच के कंपेयर में दोस्तों कम जाने वाली है, क्योंकि सिविल ब्रांच का सेपरेट अलग सीट था, इसमें ना आपको इलेक्ट्रिकल वाला फाइट करेगा, ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला फाइट करेगा, ना मैकेनिकल, ना आईटी सीएस सीएम में कोई फाइट नहीं करने वाला है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सभी पोस्ट पे जो है अधिकतर पोस्ट पे यहाँ पे सिविल ब्रांच ही फाइट करने वाले हैं, और यहाँ पे सेपरेट सीट था सभी जोन का। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 89 के आसपास जिनका स्कोर आ रहा है सिविल ब्रांच वालों तो सेफ स्कोर है। 86 के आसपास आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी तो आपका भी सेफ स्कोर काउंट किया जाएगा। एससी कैटेगरी 79 के आसपास आ रहा है तो भी आपका सेफ स्कोर काउंट किया जाएगा। एसटी कैटेगरी 75 के आसपास आ रहा है तो भी आपका सेफ स्कोर काउंट किया जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप में अगर 65 के आसपास आ रहा है तो भी आपका सेफ स्कोर यहाँ पे भी काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो नेक्स्ट ब्रांच आता है दोस्तों आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, ध्यान से देखिएगा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का वैसे दोस्तों पोस्ट बहुत ही कम था दोस्तों पोस्ट, अगर इनका 95 का आसपास आ रहा है किन्हीं स्टूडेंट का
तो यहाँ पे आपका शेफ स्कोर काउंट किया जाएगा दोस्तों, जनरल कैटेगरी ओबीसी में 92 के आसपास आ रहा है तो आपका शेफ स्कोर काउंट किया जाएगा, एससी कैटेगरी में 88 के आसपास आ रहा है तो आपका शेफ स्कोर काउंट किया जाएगा, एसटी कैटेगरी में 84 के आसपास आ रहा है तो आपका शेफ स्कोर काउंट किया जाएगा, फिजिकली हैंडीकैप्ट में 76 के आसपास आ रहा है तो आपका शेफ स्कोर काउंट किया जाएगा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों केमिकल मेटलर्जी ब्रांच के लिए, यहाँ पे जो फॉर्म फिल किए थे केमिकल सीएमए ब्रांच के लिए दोस्तों, सीएमए के लिए, तो सीएमए वालों को भी सीट कम था और इसमें दोस्तों अगर 94 के आसपास किन्हीं स्टूडेंट का आ रहा है तो समझिए उनका शेफ स्कोर यहाँ पे भी काउंट किया जाएगा, 91 के आसपास आ रहा है दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में तो इनका भी शेफ स्कोर यहाँ पे काउंट किया जाएगा, एससी कैटेगरी में 88 के आसपास आ रहा है तो शेफ स्कोर में आप लोग मान के चलिए, एससी कैटेगरी में 82 के आसपास आ रहा है तो शेफ स्कोर जो है आप लोग का भी है, एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड का 69 के आसपास है तो आपका भी शेफ स्कोर है दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, +5 या -5 मान के चलिए इसी के आसपास आपका कट ऑफ जो है मार्क्स जो है वेरी करेगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो है आपका रॉ मार्क्स के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर कौन से शिफ्ट में कितना बढ़ेगा उसके बेसिस तो कट ऑफ कुछ और ही होगा दोस्तों, क्योंकि उसमें किसी शिफ्ट में 5, 7, 8 नंबर भी बढ़ जाता है, किसी शिफ्ट में 1 या 2 नंबर बढ़ सकता है, ऐसे भी होता है, तो इसी के आसपास मान के चलिए इतना अगर रॉ मार्क्स में है तो समझिए कि आपका शेफ स्कोर काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट ब्रांच यहाँ पे है दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो ब्रांच है, यहाँ पे दोस्तों जिनका यहाँ पे इन लोगों का जो मैं ओवरव्यू देख रहा था तो उसमें दोस्तों ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का 95+ से ज्यादा जो है स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, ज्यादा यहाँ पे कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि 100+ भी उनका नंबर आया था, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 96 में यहाँ पे एवरेज स्कोर मैं यहाँ पे काउंट किया हूँ कि एवरेज अगर इसके आसपास है 96 के आसपास जनरल कैटेगरी तो आपका शेफ स्कोर काउंट किया जाएगा, अगर ओबीसी में 92 के आसपास है दोस्तों तो यहाँ पे भी आपका शेफ स्कोर काउंट किया जाएगा, एससी कैटेगरी में 88 के आसपास तो आपका शेफ स्कोर काउंट किया जाएगा, एसटी कैटेगरी में 81 के आसपास है दोस्तों तो आपका शेफ स्कोर काउंट किया जाएगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड में यहाँ पे 72 के आसपास है तो भी आपका यहाँ पे शेफ स्कोर काउंट किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मुझे जहां तक लगता है कि आपका जो इस वर्ष जो सीबीटी 2 का जो कट ऑफ आने वाली है दोस्तों, सीबीटी 2 का जो कट ऑफ आने वाली है वो आपका बोर्ड वाइज तो कट ऑफ आएगा और साथ ही साथ आपका हर एक बोर्ड का कैटेगरी वाइज आने वाली है, जिस कैटेगरी में आपका ब्रांच इलिजिबल होगा उस कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज कहने का मतलब पोस्ट वाइज, ठीक है, जो आपका कौन से कैटेगरी में आपका कौन सा पोस्ट इलिजिबल है वो उसी के अकॉर्डिंग आने वाली है, मुझे जहां तक लगता है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा कि आपके अनुसार से क्या लगता है कि ब्रांच वाइज आने वाली है या फिर कुछ और, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको ये पूरा डाटा एनालिसिस करके आप लोग को ये एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं। इसमें मान के चलिए +5 नंबर या फिर -5 नंबर अगर आपका है रॉ मार्क्स तो समझिए कि आप लोग भी सेफ स्कोर में, क्योंकि ये मैं एक एवरेज ऑन एन एवरेज करके जो है डाटा एनालिसिस करने के बाद ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पे कट ऑफ आपको डिसाइड करके आपको बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि ये सेशन, ये जो है कट ऑफ एनालिसिस से आप लोग जो है सहमत भी होंगे और कमेंट सेक्शन में आप लोग राय जरूर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को जितना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं और आप लोगों के लिए और भी मेहनत करके और भी अच्छे तरीका से एनालिसिस कर सकूं। और दोस्तों यहाँ पे स्टडी मटेरियल कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का, सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। और दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट अभी तक जिनका जिनका ऑब्जेक्शन करने का कुछ कुछ क्वेश्चन में है फटाफट ऑब्जेक्शन कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा तो आपका स्कोर 1-2 नंबर भी बढ़ जाएगा तो समझिए कि आपका स्कोर रैंक में बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा भी डाउट हो बुक का रेफरेंस लीजिए, गूगल का रेफरेंस लीजिए, उसके बाद दोस्तों ज्यादा आपको जो है रेफरेंस गूगल का ही अथवा बुक का रेफरेंस ज्यादा ही अच्छा होगा दोस्तों। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे बहुत से स्टूडेंट कमेंट भी करते रहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।